हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे भिन्न को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, 1/4 यानी 1/4, इसको हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे आसान तरीका बताएंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। इसको प्रतिशत में बदलने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें हम 100% से मल्टीप्लाई कर दें इसमें। तो यहाँ नीचे है ये और ये ऊपर है, इस तरह कट सकता है। अगर इस तरह समझ में नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। 100 का मतलब हो गया 100/1, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, 100/4 प्रतिशत। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, 4 × 4 और हो जाएगा 25। इतनी बात समझ में आई, 4 से 100 को भाग कर दिए तो हो गया 25। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर 25/1, एक छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं 25%। यानी 1/4 को परसेंट में जब बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे और फिर यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 25% आ जाएगा। 1/4 का परसेंट में जो मतलब हुआ 25%। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन से इसको और समझते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1/10, इसको हमको प्रतिशत में यानी परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100% से गुणा कर देंगे, 100%, इसको हम 100% से गुणा कर देंगे। तो अगर आपके समझ में आ रहा है तो यहीं से इसको नीचे ऊपर काट सकते हैं, 10 × 10 और 10 × 100, 10 × 10 और नीचे 1 आ गया तो 1 को छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10%, ये हमारा आंसर आ गया। यानी 1/10 का जो परसेंटेज में उत्तर आएगा वो आएगा 10%। अब अगर हमारे पास मान लिया मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, मिश्र भिन्न आ जाए, तो उसको हम प्रतिशत में कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी वही नियम है, उसको भी 100% यानी कि 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको हमको इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा यानी विषम भिन्न में बनाना पड़ेगा, 3 × 12 = 13/4। नीचे है ये ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अपान 1 लिख सकते हैं ना, तो इसको हम ऊपर मानेंगे, ये नीचे है तो इससे कट जाएगा। अब ऊपर क्या आया, 13 × 25, तो 13 को 25 से गुणा करके लिख देंगे और नीचे 1 आया तो 1 की कोई बातें नहीं, 1 को छोड़ सकते हैं, तो इसको गुणा करके हम यहाँ पर लिख देंगे। जब हम 13 को 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे उत्तर आएगा 325%। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी हम किसी साधारण भिन्न को या फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, जब भी परसेंट बदलना होता है तो उसको हम 100% से हम उसको गुणा कर देते हैं, जिससे कि वो परसेंट में बदल जाता है। तो आशा करते हैं कि आप अब आसानी से भिन्न से परसेंट में बदल लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।